मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑफ माई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आई एम हियर टू टीच साइंस। डियर स्टूडेंट, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4th एडेप्टेशंस इन प्लांट्स, उसका जो है मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आप लोगों को बताऊंगी कि प्लांट्स इन डेजर्ट, यानी एडेप्टेशंस के कैटेगरी से अगर देखा जाए तो प्लांट्स का जो एडेप्टेशंस होता है 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है एक टेरिस्टेरियल प्लांट, सेकेंड होता है वाटर प्लांट, दैट मीन्स एक्वाटिक प्लांट। यानी 2 टाइप्स है, कैटेगरी है, जिसमें टेरिस्टेरियल प्लांट जो होते हैं, जिसे स्थलीय पौधे बोला जाता है, यानी विच प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, यानी वैसे पौधे जो जमीन पे उगते हैं, तो वैसे प्लांट जो है टेरिस्टेरियल प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम टेरिस्टेरियल प्लांट्स के बहुत से ऐसे कैटेगरी होते हैं, बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वन बाई वन करके फोकस करेंगे। तो फर्स्ट जिसमें से टॉपिक है प्लांट्स इन डेजर्ट, यानी रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, किस तरह के होते हैं और कैसे हैबिटेट में वो रहते हैं, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट टू नो अबाउट डेजर्ट प्लांट्स। एज यू नो इन द डेजर्ट, यानी जैसे कि आप लोग जानते हैं रेगिस्तान में वाटर इज स्केयर एंड सॉइल इज सैंडी, यानी पानी की कमी होती है और यानी पानी की जो मात्रा होता है बहुत ही कम होता है, ना कि बराबर होता है, तुच्छ मात्रा में होता है, लिमिट होता है, और उसकी भूमि जो होती है सैंडी होती है, यानी बालुई जो है मिट्टी होती है। एंड सो ओनली दोज प्लांट विच नीड वेरी लिटिल वाटर कैन सर्वाइव इन डेजर्ट। तो इसलिए वहाँ पे वैसे ही पौधे जो है अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, अपने आप को जीवित रख पाते हैं, जिन्हें जो है बहुत ही अल्प मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन नॉट अफोर्ड टू लूज वाटर थ्रू देयर लिप्स। अब देखिए, वहाँ के जो पौधे होते हैं वो लिप्स के थ्रू से जल को जो है अफोर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में, लिटिल मात्रा में वहाँ पे जल की जो स्कैम जो मात्रा होता है, क्वांटिटी होता है, वो कम होता है, तो वो लिप्स के थ्रू जो है पानी को वो लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। सो देयर लिप्स आर पुअरली डेवलप्ड, जिसकी वजह से वहाँ के प्लांट्स के जो लिप्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते। यानी जैसे यहाँ पे जो पेड़ पौधे के जो लिप्स होते हैं हरे भरे, और पेड़ के क्रॉडिंग जो है बहुत हरियाली होता है, और बहुत जैसे जिस प्लांट का साइज होता है उस तरह के क्या होते हैं लिप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट लिप्स होते हैं। लेकिन डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि पानी की कम मात्रा की वजह से वो लिप्स जो होती हैं वहाँ के प्लांट्स के, तो वो पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो पानी की कम मात्रा की वजह से वहाँ का जो लिप्स है वो डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें लिप्स जो है एब्सेंट होता है, यानी लिप्स पाया ही नहीं जाता है, लिप्स जो है ग्रो नहीं कर पाता है। मोस्ट ऑफ प्लांट मेक देयर फूड इन लिप्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे पौधे, यानी जितने भी देखा जाए अधिकांश पौधे जो है अपना भोजन जो है लिप्स के थ्रू बनाते हैं, तो वहाँ पे जो है कुछ ऐसे जो प्लांट्स हैं जो लिप्स के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, देखिए, बट दिस प्लांट नो लिप्स, यानी जिस प्लांट्स के लिप्स नहीं होता है, विदाउट लिप्स के होते हैं, तो वैसे प्लांट जो है भोजन कैसे बनाते होंगे, तो हमें ये सोचना होगा ना, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैसे प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं जिस प्लांट में लिप्स जो है एब्सेंट रहता है। तो डियर स्टूडेंट, वैसे प्लांट जो है अपना जो है फूड स्टेम के थ्रू बनाते हैं, जिस जो स्टेम होता है, जो तना, ग्रीन जो स्टेम होता है, उसी के थ्रू जो है अपना भोजन को लोग प्रिपेयर करते हैं। स्टेम हैज सेल व्हिच ऑब्जर्व द वाटर फ्रॉम द स्टेम। अब देखिए, जो प्लांट्स होते हैं जिनमें लिप्स अवेलेबल नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो वैसे प्लांट जो है अपना भोजन स्टेम के थ्रू ग्रहण करते हैं, तो उस स्टेम के पास एक कैपेसिटी होती है, एक सेल होता है, एक कोशिका होता है ऐसे, जो पानी को ऑब्जर्व करता है, पानी को अवशोषित करता है, और उसी के थ्रू जो है अपने भोजन को प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कैक्टस होंगे,
पॉपी एक फ्लावर्स है, वो भी क्या होते हैं, कटेदार होते हैं। उसमें जो है देखा जाए तो लिप्स जो है अब्सेंट रहता है। एक प्रिकली, प्रिकली भी एक प्लांट्स है जो कांटेदार होते हैं, उसमें लिप्स अब्सेंट होता है, लिप्स नहीं होता है। बट वो अपना भोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो लोग अपना भोजन जो स्टीम के थ्रू जो है प्रिपेयर करते हैं और उसी के थ्रू भोजन बना करके वो लोग ग्रहण करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस टॉपिक से ये समझा कि डिजर्ट एरिया में जो है जो प्लांट जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं वहाँ के एस्केंटी क्यों होते हैं, दैट मीन्स जो है वहाँ के प्लांट्स जो हैं उसके कांटेदार होते हैं, दैट मीन्स वहाँ के पानी जो है उसके अनुसार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनके जो है उस कांटेदार टाइप का जो है प्लांट पाए जाते हैं। और वहाँ का मिट्टी जो है किस टाइप का होता है, तो सैंडी होता है। और जिस प्लांट्स के लिप्स नहीं होता है वो लोग अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, तो थ्रू ऑफ स्टेम, यानी स्टेम के द्वारा जो है अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उस स्टेम में एक कैपेसिटी होता है, एक सेल अवेलेबल होता है जो पानी को ऑब्जर्व कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। कल जो है हम लोग नेक्स्ट एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे कि प्लांट्स एंड डिजर्ट हमने पढ़ लिया है, अब हम टेरेस्ट्रियल में ही स्थलीय में भी कुछ अलग टाइप्स के हम लोग टॉपिक को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बस आज के लिए इतना ही।